नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के आपके अपने परिवार में। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि यदि शिक्षण कौशल की आपको पहली क्लास पसंद आएगी तो इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों का जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, देखकर ऐसा लगा कि इस क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसी क्रम में आज ये शिक्षण कौशल की दूसरी क्लास होगी और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण के आधारभूत कौशल, जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आज हम लोग सीधे इसी पे बात करेंगे, उसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो अभी और भी इसमें चीजें हैं, जैसे शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण की प्रविधियां हैं कुछ, उन सब पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग शिक्षण के आधारभूत कौशल पूरा पढ़ लेंगे। मैं फिर से कहूंगा कि यही अंत नहीं है, आपको अपनी तैयारी जो है और भी सुदृढ़ करते रहनी है। आप यकीन मानिए कि यदि आप लगातार पढ़ रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आपकी वो चीजें भी सही हो जाएंगी जो परीक्षा में आपको नहीं आ रही होंगी, बिल्कुल वो चीजें आप सही करके आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इतनी मेहनत कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए कि एक सीट आपकी एकदम पक्की हो जाए, एक सीट पे आपका नाम लिख दिया जाए। ठीक है, आपको इससे नहीं मतलब है कि कितनी सीटें आ रही हैं, आपको केवल इससे मतलब है कि आपको केवल एक सीट चाहिए। ठीक है, आपका एकेडमिक कम है तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करके सुपरटेट में आप अपने नंबर बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी समस्या होगी तो वो बिल्कुल इन्फॉर्म करेगा, वो बिल्कुल बताएगा कि उसको समस्या है। ठीक है, देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स पे अभी मैंने कोई जवाब आप लोगों को नहीं दिया है क्योंकि समय नहीं मिल पाया है। आप लोग अपना कॉमेंट छोड़ दीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, जैसे मुझे समय मिलता जाएगा आपका जवाब मैं देता रहूंगा। चलिए अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पेन बदल नहीं रहा है, कलर इसका नहीं चेंज हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए जो भी है इसी से काम चलाते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल। क्या पढ़ने वाले हैं? शिक्षण कौशल। ठीक है, काम क्यों नहीं कर रहा है भाई। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल। अब देखिए सबसे पहली चीज, शिक्षण कौशल अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो शिक्षण कौशल होता क्या है? ठीक है, तो आप ये समझिए, शिक्षण का अर्थ तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि क्या है। शिक्षण का अर्थ सीधा सा है कि अध्यापक जो बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, ये आप जानते हैं त्रिविमीय क्या है, एक त्रिविमीय प्रक्रिया है, त्रियायामी प्रक्रिया है। त्रियायामी कैसे हुई? देखिए इसमें शिक्षक होते हैं, ठीक है, छात्र होता है और एक आपका होता है पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है। तो ये कितने आयामों की प्रक्रिया हो गई? तीन आयामों की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब शिक्षक जो है ये पाठ्यक्रम बच्चों तक कितने अच्छे ढंग से पहुंचा पाता है वो आपका हो जाता है उसका कौशल। ठीक है, और इन्हीं कौशलों को कह दिया गया शिक्षण कौशल, मतलब शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कौशल, जिससे बच्चों के सीखने की क्षमता ज्यादा हो जाए और अध्यापक जो है पढ़ा सके अच्छे से बच्चों को। ठीक है, तो ये कौशल क्या करता है? अध्यापक को बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है ट्रेंड कर देता है। अब अध्यापक जो है इन कौशलों को कक्षा में कैसे प्रयोग करेगा, इसी के बारे में ये कौशल रहते हैं। ठीक है, चलिए मनोविज्ञान में यह कहा जाता है कि अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों के बारे में भी अध्यापक को जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए अध्यापक को मनोविज्ञान के बारे में भी बताया जाता है। इसीलिए आप बीटीसी बीएड में मनोविज्ञान पढ़ते हैं ताकि आप बच्चों को उसी हिसाब से सिखा सकें। ठीक है, अब देखिए शिक्षण कौशल के बारे में बात करते हैं। एलन वार रायन के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी है? 14, और एनसीईआरटी के अनुसार कितनी है? 7। ठीक है, अब चलिए प्रस्तावना कौशल, सबसे पहला जो कौशल है आपकी एससीईआरटी की किताब में आप देखेंगे तो दिया है, पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। ये जो है प्रथम चरण होता है शिक्षण कौशल का। ठीक, इसमें देखिए कौन से सूत्र का प्रयोग होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, कैसे ये आप समझिए, जैसे जब आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बच्चा जो जान रहा होता है उसी से जोड़कर जो नहीं जान रहा होता है उसकी तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो यही क्या हो जाता है, बच्चा जो जान रहा है मतलब पहले से जानता है, मतलब पूर्व ज्ञान जो है उसका, उसी से जोड़कर आपको जो पढ़ाना है उस चीज तक आप पहुंचते हैं।
ये आपकी हो गई प्रस्तावना कौशल में ये सूत्र का प्रयोग। शिक्षण सूत्र आपको जानना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्लास में मैं यही चीजें बताऊंगा आपको, एक ही क्लास में सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाकर खत्म कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब इसके घटक क्या क्या है। सबसे पहली चीज है पूर्व ज्ञान। अभी आपने देखा कि पूर्व ज्ञान कैसे है, क्योंकि बच्चा जो जानता है उसी से आप जो नहीं जानता है उधर बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, बच्चे के पूर्व ज्ञान का प्रयोग आपने किया इसमें। ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपके 69,000 की परीक्षा में पूछा हुआ है, ठीक है। ये काम क्यों नहीं कर रहा है आज, आपके 69,000 की परीक्षा में ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक। चलिए आगे देखिए, इसके बाद है उद्देश्य और सहायक सामग्री, इनका भी प्रयोग इसमें अच्छे से करने आना चाहिए। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए दोस्तों। जब भी आप प्रस्तावना कौशल कर रहे हो तो जो भी आपने प्रश्न बनाया है उसका क्या होना चाहिए, मुख्य पाठ से संबंध होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। समुचित अवधि, इसकी भी एक अवधि होनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो पूरी एक आदर्श कक्षा शिक्षण जो होता है, जो आदर्श कक्षा शिक्षण होता है वो कितने मिनट का माना गया है, 45 मिनट का माना जाता है। तो मतलब आप एक आदर्श कक्षा शिक्षण में 45 मिनट का समय ले सकते हैं, ठीक है। और हर एक कौशल के प्रस्तुति में कम से कम 5 से या 4 से 6 मिनट का समय आप ले सकते हैं। एक कौशल प्रस्तुत करने में 4 से 6 मिनट का समय आप ले सकते हैं, और पूरी क्लास आपकी कितने मिनट की होनी चाहिए, 45 मिनट की होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए, छात्रों की रुचि एवं अभिप्रेरणा। आप ऐसे ऐसे उसमें प्रश्न रखिए, जो भी आप प्रस्तावना में बना रहे हैं, जो भी आपकी प्रस्तावना है उसमें जो है छात्रों की रुचि होनी चाहिए। ऐसी चीजों को आप रखिए जिससे छात्र की रुचि बढ़े उसमें, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया प्रस्तावना कौशल। इसमें यही प्रश्न एकदम सीधे सीधे पूछ लिया गया था कि प्रस्तावना कौशल का घटक कौन सा है, या पूर्व ज्ञान किस कौशल का घटक है। तो आप समझ गए बड़े अच्छे से। अगला है आपका उद्देश्य कथन कौशल, ठीक है। अब उद्देश्य कथन कौशल में आप देखिए क्या क्या होना चाहिए। ये दूसरा चरण होता है, ठीक है, शिक्षण का कौशल, शिक्षण कौशल का दूसरा चरण है। इसमें क्या करते हैं आप, उद्देश्य आप निकलवाते हैं प्रस्तावना से, फिर आप उद्देश्य के बारे में बताते हैं कि जैसे आपने कुछ भी आप पढ़ाया, आपको पढ़ाना है बच्चों को भारत देश, तो जब आपने पूरा प्रस्तावना अपनी निकलवा ली तब आपने बच्चों से कहा कि आज हम भारत देश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये कौशल क्या होता है, उद्देश्य है तो जाहिर सी बात है इसका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, यह कौशल लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए। ये चीजें आप समझ गए, ठीक है। आगे आइए, अगला कौशल है हमारा प्रश्न कौशल। कौन सा कौशल है, प्रश्न कौशल। अब देखिए, जो आप प्रश्न करते हैं उन प्रश्नों को किस तरीके से आपको बनाना है, ये भी एक बहुत बड़ा कारक होता है। आपको यदि प्रश्न बनाना नहीं आएगा तो बिल्कुल ये कौशल आपका काम नहीं करेगा। अब देखिए प्रश्न कौशल में कैसे होता है, थिंगर के अनुसार शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। यह शिक्षण जो है उत्तम साधन होता है शिक्षण का। कैसे, अब देखिए प्रश्न कौशल में आप ऐसे प्रश्न करिए जो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, ठीक है। बीच बीच में आप प्रश्न करते रहते हैं जो, तो उससे बच्चों की सहभागिता और बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्रश्न कौशल में आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो प्रश्न होना चाहिए वो पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए, उसकी भाषा एकदम सहज होनी चाहिए जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। कभी कभी आप प्रश्नों को देखेंगे कि इतने उलझे हुए होते हैं कि बच्चे समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। चलिए, तो प्रश्न कौशल जब भी आप देखेंगे तो आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कौशल में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए और कौन कौन सी चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न कौशल। जैसे सरल प्रश्न होने चाहिए, कब आपको कठिन प्रश्न पूछना है, कब आपको लंबे प्रश्न पूछना है, ये सारी चीजें किसमें आती है, प्रश्न कौशल में आ जाती है। अब आपका आता है व्याख्या कौशल। अब व्याख्या कौशल में आप समझिए, व्याख्या कौशल है और इसी के बाद है दृष्टांत कौशल। ये दोनों मिलते जुलते हैं। यहां पर लिखा भी है कि व्याख्या कौशल की प्रमुख विधि है कौन सा, दृष्टांत कौशल, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम एक में ही करके पढ़ लें तो कोई गलती नहीं होगी। कैसे, आप समझिएगा। व्याख्या कौशल में क्या होता है कि कोई भी विषय वस्तु आप समझा रहे हैं तो उसकी व्याख्या कैसे करनी है, आपको किस तरीके से समझाना है, तो इसकी विधियां देखिए कौन कौन सी है, किन विधियों से व्याख्या की जाती है। पहला, स्पष्टीकरण विधि, जैसे अभी मैं आपको कुछ चीजें स्पष्ट करते हुए चल रहा हूं। दूसरी है परिभाषा विधि, कि मैं सीधे सीधे परिभाषा बता दूं, ठीक है। कोई भी चीज मैं पढ़ाऊं, जैसे सजीव पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा कि जो वस्तुएं चलती हैं जिनमें वृद्धि होती है वो सजीव होते हैं, जिनमें वृद्धि और विकास होता है वो सजीव होती है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण आप कैसे करेंगे,
तो स्पष्टीकरण के लिए आपने बताया किसी चीज को कि हाँ देखो ये ऐसे ऐसे बढ़ रही है। वस्तु प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे आपने पेड़ पौधे दिखा दिए, आपने दिखाया कि देखो बच्चे ये पेड़ छोटा था, इतने समय में देखो ये कितना बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये वस्तु प्रदर्शन भी कर सकते हैं आप। ठीक, किसी भी विषय के बारे में आप बता रहे हो उसको आप दिखा करके भी बता सकते हैं। अभिनय के द्वारा देखिए आप अपने शरीर या जो भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसमें अभिनय करके आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये होता है आपका व्याख्या कौशल। यहाँ देखिए इसके घटक कौन कौन से होने चाहिए, कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, आपके कथनों में प्रवाहिता होनी चाहिए, कथन जो है जुड़े होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका कथन बीच बीच में जो है ब्रेक कर जाए। भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए, जब भी आप कोई चीज बोलिए तो बीच में बहुत ज्यादा रुकना भी सही नहीं होता है, एकदम प्रवाह के साथ आप बोलते चले जाइए। प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए, पीछे आपने जो भी पढ़ाया उनको बार बार जब आप बीच में बोलेंगे तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ये चीज तो हमने पढ़ी है, ठीक है। अगला है स्पष्ट निष्कर्ष वाले कथनों का प्रयोग होना चाहिए, जब भी आप कोई बात बताइए तो उसका निष्कर्ष जो निकले वो स्पष्ट होना चाहिए, व्याख्या कौशल की बात हो रही, छात्र सहभागिता भी उसमें बहुत मायने रखती है, ठीक है, और बीच बीच में प्रश्न आप पूछते रहेंगे तो वैसे भी छात्र सहभागिता बढ़ जाएगी। जैसे जब लाइव क्लास चलती है तो मैं आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता हूँ, आप उसका जवाब देते रहते हैं तो आपका भी जो है उत्साह बना रहता है, आपकी रुचि बनी रहती है। अब देखिए दृष्टांत कौशल एक बार समझ लीजिए, दृष्टांत कौशल क्या है, व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा कि व्याख्या कौशल में क्या करते हैं, हम कुछ वस्तुएं दिखाकर या अभिनय करके या कोई कहानी उदाहरण देकर के समझाते हैं, तो यही है दृष्टांत कौशल। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण किया जाता है, आप जानते हैं कि उदाहरण दे करके फिर किसी चीज को बताना वो कौन सी विधि हो जाती है, आगमन विधि हो जाती है, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आना, ये जो है सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको आप समझिए कैसे, जैसे दृष्टांत में आप कोई चीज दिखा करके बता रहे हैं, कोई चीज बता करके बता रहे हैं, ठीक है। कैसे, दृष्टांत कौशलों को दो प्रकार से बांट दिया गया है, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। अब मौखिक में आपका आप कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कहानी है, कविता है, चुटकुल्ले हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बच्चों को जब आप चुटकुल्ले सुनाते हैं तो बच्चे इमेजिन करने लगते हैं, हाँ सही है इस तरीके से, तो बच्चे सीखते जल्दी हैं। लिखित में क्या है, चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, कुछ आसपास की जो वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं वो सारी वस्तुएं हैं। तो इस देखिए ये लिखित है, माफ कीजिएगा, इसमें चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, रेखा चित्र है, जो आपने चार्ट पर बना करके दिखाया या फिर मानचित्र आपने दिखाया, ये सारे दृष्टांत कौशल में आ जाते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो वो कौशल कौन सा होगा, दृष्टांत कौशल, और ये भी किस कौशल का है, ये भी आपके व्याख्या कौशल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ कर चलिएगा, जब आपको प्रश्न मिलेगा तो प्रश्न में आप समझ जाएंगे कि हमको ठीक किस पे लगाना है, दृष्टांत पे लगाना है या दूसरे किसी पे लगाना है। जब इन सब चीजों का प्रयोग किया जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन सा कौशल है, तो आप ऑप्शन एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो दृष्टांत कौशल आपको मिलता है चार्ट, मॉडल, पेपर, मानचित्र, रेखा चित्र में, तो आप तुरंत दृष्टांत कौशल पर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला कौशल है छात्र सहभागिता कौशल। अब इसमें देखिए आपको बहुत सारी चीजें दी गई हैं और ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि छात्रों के सहयोग व प्रतिक्रिया के माध्यम से पाठ का क्रमशः विकास करना, पाठ को आगे बढ़ाना, यही छात्र सहभागिता कौशल होता है। कितना आप छात्रों को उसमें इन्वॉल्व कर पा रहे हैं, यही क्या होता है, छात्र सहभागिता कौशल हो जाता है, ठीक है। तो समझिए इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे, पहली चीज प्रश्न पूछकर, अभी मैंने बताया कि जब बीच में आप प्रश्न पूछते हैं तो उससे छात्र की सहभागिता बढ़ जाती है। चित्र बनवाकर, आपने बच्चों से किसी चीज का चित्र बनवाने के लिए कह दिया तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें रुचि लेकर उसको बनाने लगते हैं, तो वो उसमें भी छात्र सहभागिता आ गई। आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें किसी चीज का चित्र आ गया, जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें पतंग नाम आ गया तो आपने बच्चों से पतंग बनाने के लिए कह दिया तो बच्चे उत्साहित हो जाते हैं। रिक्त स्थान भरवाकर, आपने कोई कहानी जो है लिख दी और उसमें कई स्थान रिक्त छोड़ दिए, अब बच्चों से आपने कहा कि इसमें अपने अपने हिसाब से शब्द भरो, तो क्या करेंगे, बच्चे इसमें शब्द भरते हैं, तो आप कहानी ऐसी ले सकते हैं कि अगर बच्चा दूसरा शब्द भर दे तो दूसरी कहानी बन जाए, ठीक है। तो कई तरीके की कहानियां बन सकती हैं, वाक्य अधूरे छोड़कर, आप वाक्य को पूरा करने के लिए छोड़ देंगे तो आप बच्चा सहभागिता अगर नहीं दिखाएगा तो वाक्य पूरा नहीं कर पाएगा, इससे भी सहभागिता। खेल, गीत, कविता, इन सब में बच्चों की रुचि होती है वैसे भी, और फ्लैश कार्ड भी जब आप दिखाते हैं तो बच्चों की रुचि बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए जैसे कछुआ व खरगोश की कहानी के बाद इसका मंचन करवाना, देखिए जब भी आपने कुछ पढ़ाया, कविता पढ़ाई, कहानी पढ़ाई, कुछ उसका आपने मंचन करवा दिया, नाटकीय प्रस्तुति करवा दी, तो बच्चों की सहभागिता बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें इस कौशल में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका मिल गया आपको उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसका प्रयोग अधिकतर जो है शिक्षण में किया जाता है। आप समझिए कैसे,
क्या होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। जो भी आप वहां पे एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने हाथों को हिलाना, आंख और मुंह जैसे भी आप हिला रहे हैं, वो सारे उद्दीपन होते हैं। इन्हीं में आपने कैसे परिवर्तन किया, वही आपका होता है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ये क्यों प्रयोग किया जाता है? छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए। अब यहां पर समझिए, इसके घटक कौन कौन से हैं? यथोचित शरीर संचालन, आप उचित शरीर संचालन करिए। ठीक है, जब आप अपने शरीर का संचालन अच्छे तरीके से करेंगे तो बच्चे उससे भी जुड़ते हैं। ठीक है, और देखिए हाव भाव भंगिमा का प्रयोग। अब हाव भाव भंगिमा कैसे, देखिए जैसे मुख मुद्रा का प्रयोग आप कर रहे हैं तो हंसना हो गया। ठीक है, भौहें चढ़ाना हो गया, जैसे कोई चीज आपने बताई, भौं आपने चढ़ा ली। आश्चर्य में कोई चीज आपने कहा तो आंखें थोड़ा सा आश्चर्यजनक आपने कर लिया, तो इससे भी छात्र सहभागिता बढ़ जाती है। जैसे उद्दीपन, ये आपने उद्दीपन क्या किया, परिवर्तित किया। आपकी आंख उद्दीपन है, उसमें थोड़ा सा आपने भौहों को चढ़ा लिया, तो अपनी हाव भाव भंगिमा जब आपने बदली, आपका उद्दीपन परिवर्तित हुआ, छात्र सहभागिता बढ़ जाएगी। समझ गए आप? इसी तरीके से आप क्या करते हैं, जैसे हाथों को हिला हिलाकर कोई चीज बताते हैं तो उससे भी अपना आपका हाव भाव चेंज होता है। ठीक है, आप सिर हिलाते हैं बगल की तरफ, इधर दूसरी तरफ, वो भी होता है। आप जो है शाबाशी या इस तरीके से कुछ देते हैं, अपना परिवर्तन करते हैं उद्दीपन का, क्रोध दिखाते हैं, आश्चर्य दिखाते हैं, ये सारी चीजें आपकी किसमें आती हैं, भाव हाव भाव भंगिमा में आती हैं। ठीक है, अब अगला आता है भावों का केंद्रीकरण। भावों का केंद्रीकरण क्या होता है, ये भी आप समझिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे, जब आप किसी विशेष बिंदु को किसी घटना की ओर संकेत करके ध्यान दिलाते हैं बच्चों का, तो क्या हो जाता है, भाव केंद्रित हो जाता है। कैसे, जैसे आपने कहा कि बच्चों ध्यान से सुनो, तो बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा केंद्रित हो जाते हैं। आपने जैसे कहा कि ध्यान से सुनो, ठीक है, ये आपका देखिए शाब्दिक केंद्रीकरण के अंतर्गत आ जाता है। आपने कहा बच्चों से कि जो है कोई चीज आप प्रयोग करा रहे हैं, तो आपने कहा कि बच्चों ध्यान से इसे देखो, तो भी बच्चों का केंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके उसमें, जैसे आपने मानचित्र क्लास में लगा रखा है, मानचित्र के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, कोई बात आई जो मानचित्र में बताई जाती है, तो आपने क्या कहा कि हाँ बच्चों इधर देखो, यहाँ देखो, ये राज्य है, तो बच्चों का केंद्रीकरण किधर हो गया, मानचित्र की तरफ क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। ये आप समझ गए। स्वर में उतार चढ़ाव, अब देखिए जैसे मैं भी आपको पढ़ाता हूं तो कभी कभी मेरा स्वर तेज होता है, कभी धीमा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उतार चढ़ाव से आपका जो स्पष्टीकरण होता है वो बढ़ जाता है। ये भी एक उद्दीपन परिवर्तन कौशल ही है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उससे उद्दीपन आपका परिवर्तित हुआ, स्वर में उतार चढ़ाव हुआ, तो इससे क्या हुआ, बच्चों का लगाव थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो समझते हैं थोड़ा ज्यादा। शिक्षक शिक्षार्थी वार्तालाप में परिवर्तन, ठीक है, जब आप बच्चों से बात करते हैं तो थोड़ा उसमें भी आप परिवर्तन कर सकते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो जाता है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ लिया जाता है कि मौन, मौन क्या है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल होता है। कैसे, आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे शोर करने लगे, आप बीच में एकदम शांत हो गए, तो बच्चे अचानक से पूरा शांत हो जाते हैं, तो ये भी क्या हुआ, आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल ही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज आप समझ गए। अब आगे चलते हैं, पुनर्बलन कौशल क्या है। पुनर्बलन कौशल में देखिए, शिक्षक द्वारा छात्र को दिया जाता है, पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन, पुनः बलन मतलब बल दिया जाए जिससे बच्चे और सीखें, तो ये क्या हो जाता है कि कौन देता है, छात्र, अध्यापक देता है किसे, छात्रों को। ठीक है, अब ये देखिए, पुनर्बलन के प्रस्तुतीकरण या हटाने से अधिगम प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है पुनर्बलन में कि क्या इससे अधिगम प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। और पुनर्बलन वह चीज होती है जो अध्ययन के बीच में, शिक्षण के मध्य में दी जाती है, और उससे जो है बच्चे के सीखने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है, बच्चा सीख रहा होता है, बीच में आपने एक पुनर्बलन कौशल दे दिया, बच्चे की सीखने की गति बढ़ जाती है। ठीक है, स्किनर ने जो है पुनर्बलन को प्रमुखता से दिखाया है, इसको मैं स्किनर में आपको बताऊंगा फिर से। अब देखिए पुनर्बलन, तो पुनर्बलन कैसे दिया जाएगा, कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन दो प्रकार का हो सकता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अब धनात्मक पुनर्बलन से क्या होगा कि बच्चा जो है उसके सीखने की गति जो है और तीव्र हो जाती है। ऋणात्मक से क्या होता है कि बच्चे की गति घट भी सकती है। कैसे, अभी मैं समझा रहा हूं। धनात्मक में क्या हुआ, पुरस्कार, जैसे दौड़ प्रतियोगिता आपने कराई और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को पुरस्कार देने के लिए रख दिया। अब जो भी बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो 10 सोचेंगे कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, तो उसी चक्कर में अच्छा करते हैं। प्रशंसा, आप पढ़ा रहे हैं, किसी बच्चे ने सही जवाब दिया तो आपने शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, इनका प्रयोग कर दिया, तो क्या हो गई, देखिए शाबाशी और प्रशंसा, ये दोनों चीजें किसमें आ गई, धनात्मक में। तो बच्चे के अंदर एक उत्साह बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे लाइव में आप लोग पढ़ते हैं
आप लोग जवाब देते हैं, जिसका नाम लिया जाता है तो उसको लगता है कि हाँ जो है थोड़ा अच्छा महसूस होता है। मैं भी ये सारी चीजें जो है कर चुका हूँ, ठीक है। जब मैं भी इस तरीके से क्लास अटेंड करता था, तो लाइव क्लास में जब मैं क्लास अटेंड करता था, तो वहां भी जब इस तरह से चीजें आती थी तो लगता था कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, तो सीखने की जो है प्रक्रिया गति जो है वो बढ़ जाती है। हाँ में सिर हिला देना, जैसे जो है कोई बच्चा आपसे कुछ कह रहा है कि सर इस चीज का ये सही है, तो आपने सर में हाँ में सर हिला दिया थोड़ा सा खुश होकर के, तो बच्चा जो है एकदम खुश हो जाता है। उत्तर स्वीकारना, बालक ने कोई उत्तर दिया, आपने उसको स्वीकारा कि हाँ ये सही है, तो भी उससे क्या होता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है, उससे प्रक्रिया उससे जो है सीखने की गति बढ़ जाती है। हो सकता है कि मेरी जो बोलने की गति है वो थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें थोड़ा कम समय में समाप्त हो जाए। अब ऋणात्मक में देखिए, डांटना, फटकारना, नाराज हो जाना। अगर आपने बच्चे को एक बार, बच्चे ने कुछ पूछा, आपने डांट दिया, दोबारा उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि आपसे कुछ पूछे, तो इससे सीखने की गति जो है धीमी हो जाती है। तो नकारात्मक पुनर्बलन वैसे भी क्लास में नहीं देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि बिल्कुल ये नकारात्मक ना देना पड़े, ठीक है। आगे चलिए, इसके घटक देखिए क्या क्या होते हैं। घटक में वही होता है कि जिसका आप प्रयोग करते हैं, प्रोत्साहन देने वाले कथन, इनका प्रयोग हो गया। छात्र प्रतिक्रिया का आदर, बच्चे ने आपको कुछ पूछा बताया तो आप उसका आदर करिए, डांट मत दीजिए, डांट देंगे तो बच्चा चुप हो जाएगा। हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग अभी आपको बताया गया। छात्र के सही उत्तरों को श्यामपट पर लिखना, देखिए ये भी एक बहुत जबरदस्त चीज होती है कि बच्चे ने कुछ कहा और आपने श्यामपट पर लिख दिया, तो उससे भी उसको पुनर्बलन मिलता है एक, ठीक है। तो ये पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत भी आ जाता है कि बच्चे ने कुछ कहा और आपने श्यामपट पर लिख दिया। नकारात्मक शाब्दिक अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, ये भी इसके पुनर्बलन के ही घटक होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कोशिश करके नहीं करना चाहिए। अब अगला कौशल है आपका श्यामपट कौशल, श्यामपट लेखन कौशल। अब इसको भी समझिएगा आप, इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है श्यामपट को, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अध्यापक की घड़ी या अध्यापक का अलार्म किसे कहा जाता है, ये हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। तो टाइम टेबल जो होता है वही अध्यापक का अलार्म होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि अध्यापक कैसे समझता है, टाइम टेबल से ही तो जानता है कि इतने बजे मुझे इस क्लास में जाना है, ठीक। अगला देखिए, श्यामपट कौशल प्रयोग से शिक्षण श्रवणेन्द्रिय और नेत्रेन्द्रिय दोनों सक्रिय रहता है। अब शिक्षण में सुनने का और देखने का, जब श्यामपट पे आप पढ़ा रहे होते तो बच्चा श्यामपट पे देख भी रहा होता है, आपकी बातें सुन भी रहा होता है, तो उसकी दोनों इंद्रियां काम करती हैं, सुनने वाली भी और देखने वाली भी, तो दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। अब इसमें और भी कई सारी चीजें हैं कि आप अध्यापक को बोर्ड पर कैसे लिखना चाहिए। अगर अध्यापक सीधा बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े होकर लिख रहे हैं तो बच्चों को पहली चीज दिखेगी नहीं क्या आपने लिखा, दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप खुद नहीं देख पाएंगे कि बच्चा कर क्या रहा है। आप थोड़ा सा तिरछा होकर लिखे, जैसे 45 डिग्री के आसपास आप अगर लिखते हैं तो ये आपका बोर्ड है और ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ आपके बच्चे बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों के ऊपर नजर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा आपने निगाह घुमाई बच्चे के ऊपर नजर पड़ गई, और यहाँ आप लिख भी सकते हैं और बच्चे को दिखाई भी देता रहेगा। तो ये आपका श्यामपट कौशल में आता है। आप लाइन सीधी लिखिए, क्योंकि बच्चा आप ही का अनुकरण करके सीखता है, लाइन सीधी लिखिए। देखिए शब्दों के बीच में, अक्षरों के बीच में जो दूरी हो वो समान रखिए। ये सारी चीजें किसमें आती है, श्यामपट लेखन कौशल में आती है। लेखन कौशल की बात हो रही है, श्यामपट लेखन कौशल में ये सारी चीजें आपकी आ जाती है, समझ गए आप। उसके बाद अगला आपका है पुनरावृत्ति कौशल। आप समझिए, जैसे मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाता हूँ तो करंट अफेयर्स में क्या करता हूँ, देखिए कोशिश यही रहती है कि आपकी पुनरावृत्ति जरूर कराई जाए, और आप लोगों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में रहता है कि पुनरावृत्ति कराने से, रिवीजन कराने से चीजें याद हो जाती हैं आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए देखिए, याद होने का मतलब स्थायी हो जाती है, तो दोस्तों इसे स्थायीकरण कौशल भी कहा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने करंट में ये सारे कौशल का प्रयोग किया है, ताकि देखिए मैं वहां पर चित्रों का भी प्रयोग करता हूँ, दृष्टांत का, ताकि आपको चीजें याद रहे। पुनरावृत्ति कौशल का प्रयोग होता है, ये भी आपको समझ के रखना चाहिए, ठीक है। पुनरावृत्ति में कई तरीके से हम लोगों ने पुनरावृत्ति की है, तो आप ये चीज समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसे स्थायीकरण कौशल कहा जाता है। पढ़ाए गए पाठ प्रसंग आदि को दोहराना, तो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको दोहरा भी देता हूँ, तो आप समझ गए कि पुनरावृत्ति कौशल क्या होता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए रहा, अभी एक और कौशल आ जाता है, पाठ समापन कौशल। पाठ समापन में क्या होता है, ये आप समझ जाएंगे बड़े आराम से, कि इसमें जो गृह कार्य दे दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, गृह कार्य दे दिया जाता है, ठीक है। बच्चों को थोड़ा सा उस पाठ के बारे में एक बार जल्दी से बता करके, हाँ ये चीजें हमने पढ़ी, बस ये भी हो गया उसी में पाठ समापन में। चलिए ये आपका हो गया क्या, पुनरावृत्ति कौशल और पाठ समापन कौशल, तो शिक्षण के कौशल आपके हो गए समाप्त।
अभी देखिए ये चीजें मुझको नई मिली थी थोड़ा सा, तो मैंने नोट्स में अपने लिख लिया था, ठीक है, क्या कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने शिक्षण कौशल कितने बताए, 14 बताए हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने कितने बताए हैं, 18 बताए हैं, ठीक है। तो ये चीजें परीक्षा में वैसे मुझे नहीं लगता कि पूछी जाएंगी, फिलहाल एक नजर आप डाले रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। अब आइए एक टर्म में और आपको बताऊंगा, फिर क्लास समाप्त कर दी जाएगी। देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, एक्सपेक्टेड लर्निंग लेवल क्या होता है, तो इसकी संकल्पना कब आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसकी संकल्पना दी गई, ठीक है, कि अपेक्षित अधिगम स्तर, अपेक्षित अधिगम स्तर या न्यूनतम अधिगम स्तर दोनों एक ही है, पहले ये समझ लीजिए। अब मैं समझाता हूं आपको कि अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है। देखिए जैसे आप बच्चे को गिनती सिखा रहे हैं, आपने 5 तक पहाड़ा सिखाया या गिनती सिखा दी, मान लीजिए आपने 5 तक पहाड़ा सिखाया, तो आपने सोचा कि बच्चा कितनों भी गिरते पड़ते याद करेगा तो 3 तक का पहाड़ा याद कर लेगा, क्या कर लेगा, 3 तक का पहाड़ा याद कर लेगा, तो आपने अपेक्षा की कि उसे 3 तक का पहाड़ा याद हो जाएगा, यही है अपेक्षित अधिगम स्तर, कि आपने जो अपेक्षा रखी, और यही न्यूनतम अधिगम स्तर भी है। जैसे बालक कक्षा 1 पास करेगा जब, तो वो 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ सकता है, तो ये क्या हो गया, अपेक्षित अधिगम स्तर हो गया, ठीक है। 3 जैसे 3 अक्षरों का शब्द अगर बच्चा पढ़ ले जा रहा है कक्षा 1 का, तो ये एक अपेक्षित अधिगम स्तर है कि कक्षा 1 पास करते करते बच्चा 3 अक्षर के शब्दों को पढ़ लेगा, ये अपेक्षा की गई, और यही न्यूनतम स्तर भी है, ठीक है, कि 3 अक्षर पढ़ लेना चाहिए, 3 अक्षर के शब्दों को। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1982 जो 92 माफ कीजिएगा 92 जो संशोधित आई थी, प्लान ऑफ एक्शन जिसे कहा गया था, इसमें इसे अनिवार्य अधिगम स्तर कर दिया गया। अब अनिवार्य अधिगम स्तर का क्या मतलब हो गया, यहां पर था कि आपने अपेक्षा रखी थी या न्यूनतम आपने अधिगम स्तर रखा था कि 3 अक्षर के शब्दों को बच्चा पढ़ ले जाए, ठीक है, ये आपने अपेक्षा की। अब यहां पर अनिवार्य कर दिया गया कि कक्षा 1 पास होते होते बच्चे को इतना आना ही चाहिए, 3 अक्षर के शब्द उसको आने ही चाहिए, ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, समझ गया आप, तो ये हो गया। अब देखिए ये एजेंशियल हो गया, आप यहाँ एक्सपेक्टेड था कि यहाँ आशा की जा रही थी, और यहाँ एजेंशियल हो गया मतलब जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया, ठीक है। तो ये कब कहा गया, इसे अनिवार्य कब कहा गया, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसे न्यूनतम या अपेक्षित अधिगम स्तर। यदि आपसे पूछे अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना कब आई, तो आप 1986 बताएंगे, और अनिवार्य अधिगम स्तर कब आया, तो 1992 आप बताएंगे कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 जिसे प्लान ऑफ एक्शन भी कहा जाता है। ये चीज आप समझ गए। आइए अब इसके लिए एक समिति बनी थी, और उस समिति का नाम था दवे समिति 1990 में, कब 1990, 5 जनवरी 1990, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर आर एच दवे। कौन थे, प्रोफेसर आर एच दवे जो थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से गठित किया गया था, ठीक है। अब देखिए ये क्यों गठित की गई थी दवे समिति, तो दवे समिति न्यूनतम अधिगम स्तर के निर्धारण हेतु बनाई गई थी। दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सकता है कि ये आपके परीक्षा में पूछा भी जाए, क्योंकि अपव्यय अवरोधन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, किस कमेटी ने किया है, ठीक है, किस मतलब किस कमेटी का ये काम था अपव्यय अवरोधन का, ठीक है, रोकने का, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे नोट्स में सीधे सीधे लिखा भी है, तो दोस्तों जल्दी वो आपको मिलने वाला है। अब देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण हेतु कौन से विषय चुने गए, कक्षा 1 से 5 तक, तो भाषा, गणित और पर्यावरण, यही 3 विषय चुने गए थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए यहां पर ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, इसकी अवधारणा आप एक बार समझ लीजिए। अवधारणा जब आप समझ जाएंगे तो जो है इसको अगर परीक्षा में प्रश्न आता भी है इससे, तो आप बड़े आराम से बता ले जाएंगे, ठीक है। देखिए अधिगम अनुभव के प्रकार, कब बच्चा अधिगम कर ले गया है, ये अगर बच्चा अधिगम कर ले गया है तो क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, कैसे अनुभव होना चाहिए। देखिए कैसे, एक तो होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक, इसी को बोधात्मक भी कहते हैं, और तीसरा होता है क्रियात्मक, या इसी को व्यवहारात्मक भी कहते हैं। देखिए एक मिनट, व्यवहारात्मक, ये व्यव है, भारात्मक, देखिए चलिए अब समझिए इसका अंतर क्या क्या होता है, क्योंकि ये परीक्षा में कभी भी पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक का मतलब ये होता है कि जो आप तथ्यों की जानकारी देते हैं, कैसी जानकारी, तथ्यों की जानकारी, ठीक है, ये होता है ज्ञानात्मक में।
उसके बाद बात आई बोधात्मक में। बोधात्मक में ये होता है कि आपने बच्चे को जो तथ्य बताए हैं उनका आपसी संबंध बच्चा स्थापित कर ले जा रहा है अथवा नहीं। यदि उसने उसके भाव को समझ लिया है, उसका बोध हो गया है उसे जो भी आपने बताया है, तो वो आपस में संबंध कर ले जाएगा। ठीक है, एक दूसरी चीजों से संबंध स्थापित करना, ठीक है, ये किसमें आ जाएगा? बोधात्मक में, चीजों से संबंध स्थापित कर लेना। ठीक है, और क्रियात्मक में क्या होगा कि जो भी बच्चे ने सीखा है इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके, दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। ठीक है, ये चीज आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे बच्चे ने कोई ज्ञान प्राप्त किया, अब जैसे बच्चा अगर समझ गया है कि हाँ जोड़ घटाना कैसे होता है, आपने पहले तथ्यों की जानकारी दी, ठीक है, गिनती पहाड़ा ये सब सिखाया, अब पहाड़ा और जोड़ का क्या संबंध है, बच्चा अगर ये समझ गया तो वो भावात्मक हो गया, मतलब बोधात्मक हो गया, और बच्चा समझ गया कि ये गिनती पहाड़ा जोड़ कहाँ प्रयोग करना है तो वो क्रियात्मक हो गया। जैसे दुकान पे सामान खरीदने गया बच्चा और वहां पे जितना सामान उसने खरीदा उसका मूल्य जोड़कर टोटल मूल्य बताने में अगर बच्चा सक्षम हो गया तो वो क्या कर गया, अपने ज्ञान का क्रियात्मक या व्यवहारात्मक भी प्रयोग कर ले गया। ठीक है, ये चीज आई। आइए एक इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्या है? एक है, आपकी परीक्षा में आता है बार बार, एक है निदानात्मक कार्य, मैं इसको फिर भी एक बार बताऊंगा, और एक उपचारात्मक कार्य। उपचारात्मक देखिए, आप समझिए, शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है कैसे, निदानात्मक क्या क्या अर्थ है, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है। निदानात्मक शिक्षण जो होता है, या इसे एक प्रक्रिया आप कह सकते हैं, इससे देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये परीक्षा में आपके 69,000 में भी पूछा गया है और इसमें अंतर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और गलत कर देते हैं। नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा निदानात्मक मतलब समस्या का निदान हो गया, लेकिन नहीं, निदानात्मक को अंग्रेजी में आप समझिए तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं डायग्नोज। डायग्नोज करना मतलब समस्या को पता लगाना, समस्या का, समस्या को निकालना। कैसे? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी समस्या बताते हैं पहले डॉक्टर को, तो डॉक्टर आपसे जब समस्या पूछता है, आपकी समस्या जानना चाहता है, तो उसी को कहते हैं निदानात्मक कार्य, डायग्नोज कहते हैं उसी को। देखिए तो इसमें क्या होता है, समस्या का पता लगाया जाता है, समस्या का पता लगाया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कक्षा में आपने शिक्षण कर दिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे जो है क्या सीखे क्या नहीं सीखे, क्या अभी उनको नहीं समझ में आया, तो ये कार्य जो पता लगाना वो निदानात्मक होता है। उपचारात्मक में क्या होता है कि जब आपने समस्या का पता लगा लिया, अब समस्या का जब आप हल करेंगे तो वही क्या होता है, उपचारात्मक होता है, मतलब समस्या का उपचार कर दिया आपने तो वो उपचारात्मक हो गया। बीमारी पता लगाई जाती है निदानात्मक में और उपचार किया जाता है उपचारात्मक में। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी दोस्तों, तो बिल्कुल एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और अन्य क्लास के साथ, ये क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। मेरी तबीयत थोड़ी सी कल खराब थी, इसीलिए कल की शाम की क्लास बंद कर दी गई थी। आप लोगों का जब कमेंट मिलता है मुझे, आप लोगों की लगनशीलता मुझे दिखाई देती है, तो इच्छा नहीं होती है कि क्लास आपकी बंद की जाए, लेकिन दोस्तों क्या करें, मानव शरीर है, थोड़ा सा कभी कभी असहज हो जाती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक सारी चीजें पहुँचाई जाए। अब स्कूल भी 9 बजे स्कूल पहुँचना ही रहता है, 3 बजे से पहले छुट्टी नहीं मिलती है, वहां भी काम पूरा रहता है, उसके बावजूद मैं 3 बजे के बाद आता हूँ आप लोगों के लिए, तुरंत पढ़ाने पढ़ने बैठ जाता हूँ, तब जा करके मैं आप लोगों तक ये क्लासे दे पा रहा हूँ। आपकी करंट की क्लास सोचिए, सुबह 9 बजे से पहले तैयार करके नहा धो करके फिर मुझे स्कूल भी जाना रहता है, तो उससे पहले मैं कितनी जल्दी उठ जाता हूँ कि मैं पढ़ता भी हूँ, सारे करंट इकट्ठे करता हूँ, लिखता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ। शाम को फिर मैं वही काम करता हूँ, 3 बजे आता हूँ, 3:30 बज जाता है आने में, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को तुरंत पढ़ाने बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो ये मेहनत दोस्तों जाया मत होने दीजिएगा, और मैं चाहता हूँ कि जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों में से अधिकांशतः लोगों का ये कमेंट मुझे मिले कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। नकारात्मक कमेंट की मैं बिल्कुल उम्मीद आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग अपनी तैयारी एकदम जबरदस्त रखिए और तैयारी को एक नया आयाम दीजिए, और मिलता रहूंगा मैं आप लोगों को इसी तरीके से और ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।